हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ओके, तो वीडियो जो है वो अंत तक देखना है। और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो या पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो, सब किसी को देना है। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो जल्दी से बताओ। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके गाइस, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में मुख्यमंत्री कभी नहीं बने? यानी क्वेश्चन इस तरह है, भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तो जल्दी बताओ, भारत का कौन सा राज्य है जहाँ महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तो पहला है तमिलनाडु, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है महाराष्ट्र। तो जल्दी से इसका राइट आंसर करो, सब किसी को करना है। भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और एक दो क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताओ, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो जल्दी से बता दो सबको ही, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो जी हाँ, कौन थी? सुचेता कृपलानी जी थी, है ना। ये कहाँ की सीएम बनी थी? तो ये उत्तर प्रदेश, है ना, यूपी की सीएम बनी थी, यानी मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लेना। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये तो सबको मालूम होना चाहिए, तो जल्दी बता दो, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जल्दी से इसका राइट आंसर दे दो सबको ही, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी, है ना, इंदिरा गांधी। ठीक है, इसको नोट कर लेना, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस हैं, ये सब पूछ लेता है। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी जी थी, जो कि यूपी की सीएम बनी थी पहली बार। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, प्रसिद्ध पुस्तक मालगुड़ी डेज के लेखक कौन है? तो जल्दी से बताओ, विशी नोयपॉल, दीपक चोपड़ा, रविंद्रनाथ टैगोर या आर के नारायण? तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो सबको ही, प्रसिद्ध पुस्तक जो है मालगुड़ी डेज, इसके लेखक कौन है? बहुत ही सिंपल है, सब किसी को बताना है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी आर के नारायण। ठीक है, तो आर के नारायण के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, कौन सी? मालगुड़ी डेज। ठीक है, और एक दो पुस्तक के बारे में और पूछ लेता है, पंचतंत्र, जल्दी बताओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आ भी रखा है आपके एग्जाम में, पंचतंत्र के लेखक कौन है? सब किसी को बताना है, पंचतंत्र जो बुक है उसके लेखक कौन है? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्त। वेरी गुड, विष्णुगुप्त जो है इनके लेखक हैं, है ना। और एक और फेमस पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इसके लेखक कौन है? तो ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है, इसके लेखक कौन थे, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो जल्दी बताओ, हैदर अली ने, मीर कासिम ने, मीर जाफर ने या अवध के नवाब ने? सब किसी को आंसर देना है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो सबको ही,
1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी मीर जाफर ने किया था। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन तो ये भी पूछा जा सकता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए इसका फुल डेट। ठीक है, तो इसका युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी में, है ना, प्लासी का युद्ध हुआ था। और देखो इसमें हुआ क्या था, मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। लेकिन इस युद्ध को हम ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि इस युद्ध में नवाब के जितने सेना नायक थे सबके सब क्या थे, क्लाइव के साथ षड्यंत्र रच लिया था सब लोगों ने। रॉबर्ट जो क्लाइव थे ना, उनके साथ सब लोगों ने क्या किया, षड्यंत्र रच लिया था। तो नवाब की सेना भी जो थी वो पूरी तरह युद्ध में शामिल भी नहीं थी, यानी नवाब की वो पूरी सेना ने युद्ध में भाग ही नहीं लिया था। और फिर युद्ध के जस्ट बाद क्या हुआ कि मीर जाफर के पुत्र ने, ठीक है, यही जो मीर जाफर जिसने विश्वासघात किया है, इसी के पुत्र ने क्या किया, नवाब की हत्या कर दी। तो ये कहीं ना कहीं सही बात नहीं हुआ था, इसलिए हम इसको युद्ध नहीं मानते हैं, ये एक षड्यंत्र टाइप का था। ठीक है, तो आप लोग बस इतना ही जानो, क्वेश्चंस यहीं से पूछ लेता है कि 1757 में प्लासी का युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच हुआ था, तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें से रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी से, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, और सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब थे। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो जल्दी बताओ, 21 मार्च, 21 मई, 21 जून या 25 सितंबर, जल्दी से सब किसी को बताना है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है जी, जल्दी बताओ। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 जून, यानी ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, कोई बता सकता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो जल्दी से बताओ, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है और किस व्यक्ति के जन्मदिन के शुभ अवसर पे ये मनाया जाता है, ये भी बताना है आपको, जल्दी बताओ। नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो जी हाँ, ये कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है ना। और किसके जन्मदिवस के शुभ अवसर पे मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस के शुभ अवसर पे मनाया जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयप्पा का मंदिर अवस्थित है, बताओ कहाँ स्थित है अयप्पा का मंदिर, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गुजरात में, सब किसी को बताना है, जल्दी से आप सब इसका राइट आंसर दो। अयप्पा का मंदिर अवस्थित है कहाँ है, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या गुजरात में? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। वेरी गुड, अयप्पा का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो केरल में है। ठीक है, और केरल में कहाँ स्थित है, तो एक जगह है सबरीमाला, है ना, वहीं पे जो है अयप्पा का मंदिर स्थित है। अच्छा आप बताओ, केरल का राजधानी कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, याद रख लेना, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। कर्नाटक की, चलो कर्नाटक का आप बताओ, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, जल्दी बताओ। तो जी हाँ, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, बेंगलुरु, है ना, जिसको हम लोग सिलिकॉन वैली शहर के नाम से जानते हैं। वो कौन सा शहर है, तो बेंगलुरु है ना, सिलिकॉन वैली के नाम से हम लोग किस शहर को जानते हैं, तो बेंगलुरु को जानते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, आप लोग ध्यान में रखना। और तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी जो है वो कहाँ है, कोई बता सकता है? चलिए मैं बता ही देता हूँ, तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है। ठीक है, और गुजरात की जो राजधानी है वो कहाँ है गाइस, जल्दी बताओ, गुजरात की जो राजधानी है वो कहाँ है? तो जी हाँ, गुजरात की राजधानी कहाँ है जी, वेरी गुड, गांधीनगर में। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेड लेटर डे, इसका मतलब क्या होता है, बताओ। लाल दिवस होता है,
एक महत्वपूर्ण दिवस होता है, पत्रकार दिवस होता है या काला दिवस होता है? तो देखो ये तो आई थिंक जीके का क्वेश्चन नहीं है बट पूछ लिया गया है, ये इंग्लिश में है ठीक है। इंग्लिश के आप इंग्लिश का जब इडियम फ्रेजेस पढ़ोगे ना तो ऐसे जो हैं आपको मिल जाते हैं ठीक है। ये इडियम फ्रेजेस है, ऐसे सेंटेंस आपको मिल जाते हैं, यानी इडियम फ्रेजेस से पूछा गया है ठीक है। तो जल्दी बताओ ए रेड लेटर्स डे का मतलब क्या होता है? तो देखो इसका मतलब होता है एक महत्वपूर्ण दिवस, यानी बोल सकते हो एन ऑस्पिशियस डे, यानी बहुत ही शुभ दिन है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग ए रेड लेटर डे ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइलेक्सिया संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है बताओ? बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से, हार्ट से, बच्चों की एक प्रकार की बीमारी से या वृद्धों की बीमारी से? तो जल्दी बताओ डाइलेक्सिया संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है, यही बताना है आप सभी को। तो जल्दी बताओ, सब किसी को बताना है, जल्दी से इसका राइट आंसर दो। डाइलेक्सिया किस चीज़ से संबंधित है जी, इसका क्या होगा आंसर? तो वेरी गुड, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरता है? तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर, जयपुर से, कोलकाता से, अहमदाबाद से या इलाहाबाद से? सबको बताना है, आई होप सबको ये सही बताएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो जल्दी से बताओ भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? जयपुर से, कोलकाता से, अहमदाबाद से या इलाहाबाद से? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी इलाहाबाद से ठीक है। तो भारत का जो मानक समय रेखा है वह इलाहाबाद के शहर के नैनी से होकर गुजरता है ठीक है। इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, वहीं से जो है भारत का मानक समय रेखा जो है गुजरता है ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछ लेता है आपसे कि भारत मानक समय, ग्रीनविच के मानक समय से कितना घंटा आगे है? तो जल्दी बताओ भारत मानक समय, ग्रीनविच के मानक समय से कितना घंटा आगे है? तो जल्दी बताओ भारत मानक समय जो है ग्रीनविच मानक समय से कितना घंटा आगे है? सबको बताना है, जल्दी बताओ। भारत मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना घंटा आगे है? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5.5 घंटा है ना, 5.5 घंटा जो है भारत मानक समय वो आगे है ग्रीनविच के मानक समय से ठीक है। यदि इंग्लैंड में 12 बज रहे हैं, यदि इंग्लैंड में 12 बज रहा है तो पता है भारत में जो है वो 5.5 होगा ठीक है, क्योंकि भारत का जो मानक समय है वो 5.5 घंटा आगे है। तो इंग्लैंड में यदि 12 बज रहा होगा तो भारत में 5.5 बज रहा होगा ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है बताओ? कहाँ है, कोलकाता में, शिमला में, हैदराबाद में या देहरादून में? जल्दी बताओ फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है, यानी अगर मैं बताऊँ तो वन अनुसंधान संस्था, इसका मुख्यालय कहाँ है? जल्दी बताओ, यही तो पूछा है, वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी बताओ, आई होप अब सबको ही सही बता दोगे। तो जल्दी से बताओ वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून है ना, यानी फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय देहरादून में है। अब एक क्वेश्चन आप और बताओ कि भारत में पेट्रोलियम अनुसंधान संस्था कहाँ है, यानी भारत पेट्रोलियम अनुसंधान संस्था कहाँ है? जल्दी बताओ, भारत पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारत पेट्रोलियम अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो जी हाँ, ये भी कहाँ है, देहरादून में है ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये भी जान लो आप लोग, कलकत्ता, इसमें यहाँ पर जो है वो सेंट्रल
जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है, ठीक है, ये भी पूछ लेगा। तो सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है, ठीक है, इसको भी याद कर लेना। सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर जो है वो कोलकाता में स्थित है, और शिमला में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर जो है वो शिमला में स्थित है, ठीक है। यानी पूछा जा सकता है कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, शिमला होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है, तो देहरादून में है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है, बताओ, बीजापुर में हैदराबाद में है, मैसूर में है या चेन्नई में है, जल्दी से सब कोई बताओ इसका राइट आंसर। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है, बीजापुर में, हैदराबाद में, मैसूर में या चेन्नई में, सबका सही होना चाहिए। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी हैदराबाद में जो है गोलकुंडा स्थित है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है, बताओ, कर्नाटक में है, राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में है या तमिलनाडु में है, जल्दी से सब किसी को राइट आंसर देना है, जल्दी बताओ। हम्पी का खुला संग्रहालय जो है वो किस राज्य में है, कर्नाटक में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में, तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक में है ना। तो हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। ये स्थान जो है कहाँ है, कर्नाटक में, यानी हम्पी का जो खुला संग्रहालय है वो कर्नाटक में है। और विजयनगर के बारे में एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है, तो चलिए मैं बता देता हूँ, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, पहले तो आप लोग बताओ, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, विजयनगर साम्राज्य है ना, वो थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, तो आप लोग समझा करो या फिर नोट्स बना लिया करो जो मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, जल्दी से बताओ, स्थापना किसने की, जल्दी बताओ। तो जी हाँ, किसने की, हरिहर एवं बुक्का, ये दो भाई थे, इन्होंने ही जो है विजय साम्राज्य की नींव डाली थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इनमें से कौन सा राज्य की भाषा नहीं है, यानी इनमें से कौन सी जो है वो राज्य की भाषा नहीं है, कश्मीरी है, संस्कृत है, राजस्थानी है या मैथिली है, यानी कौन सी, इनमें से कौन सा जो है वो राज्य की भाषा नहीं है, यही बताना है, तो जल्दी से बताओ। इनमें से कौन सी राजकीय भाषा नहीं है, सॉरी, राजकीय होगा है ना, इसको आप लोग सही कर लो, इनमें से कौन सी राजकीय भाषा नहीं है, यानी राज्य की भाषा नहीं है, वो बात वही है, तो जल्दी बताओ, इनमें से कौन सा राजकीय भाषा नहीं है। पहला ऑप्शन है कश्मीरी, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है राजस्थानी, चौथा है मैथिली, तो जल्दी से बताओ। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी राजस्थानी जो है वो राजकीय भाषा नहीं है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सॉरी भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर है ना, जिसको बार्क बोलते हैं शॉर्ट में, तो इसका मुख्यालय पूछा गया है, ये कहाँ स्थित है, तो जल्दी बताओ, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में या मुंबई में, सब किसी को इसका राइट आंसर देना है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो जी हाँ, इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा है ना, तो मुंबई में जो है वो भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर स्थित है, तो मुंबई में कहाँ है, ट्रॉम्बे में, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में मुंबई ना देकर डायरेक्ट ट्रॉम्बे भी दिया जा सकता है, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यानी भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर जो है वो ट्रॉम्बे में स्थित है, ट्रॉम्बे में कहाँ, मुंबई, ट्रॉम्बे में मुंबई में है ना, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब दो चार रिसर्च सेंटर के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा अगर ये पूछ देता है तो, ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक पूछ लेता है विक्रम साराभाई है ना, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है, तो जल्दी बताओ, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है, ऑप्शन नहीं देने वाला मैं, आपको बताना है, और मैं देखता हूँ कौन कौन जो है वो सही बताता है,
और मोस्ट जो सही बताने वाले स्टूडेंट हैं, कुछ ही स्टूडेंट हैं जो हर क्वेश्चन का राइट आंसर देते हैं, ठीक है। जिसमें से मैं सिर्फ एक ही स्टूडेंट को बताऊंगा, एक ही स्टूडेंट का नाम लेना चाहूंगा। वो प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर जो है वो डिटेल्स में देते हैं और उनका नाम है उज्जवल। वो मेरा प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर देते हैं और वो भी डिटेल्स में देते हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी होता है। तो प्लीज़ अगर आप लोग नहीं देते हो तो आज से जो है इस वीडियो में देना स्टार्ट कर दो। आप भी प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर दो, भले ही आप गलत दो बट आप दो। इससे होगा क्या कि आपको नहीं भी आता है तो एटलीस्ट आप सीखोगे तो सही ना। आप सीखोगे, रिवीजन करोगे तो वो आपके माइंड में रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो आप जो है प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, इससे आप ही लोग का बेनिफिट होगा। और जो क्वेश्चंस मैं होमवर्क में दे देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो आप दीजिएगा, ठीक है। बहुत स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो फुल्ली डिटेल्स में आंसर देते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो जल्दी बताओ, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये कहाँ है? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये केरल में है ना? केरल में कहाँ? तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो कहाँ है? तो केरल में। केरल में कहाँ? तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है आपसे, सतीश सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये भी बहुत ही VVI है, सतीश धवन स्पेस सेंटर ये कहाँ है? तो चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर। ये जो है आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में कहाँ? आंध्र प्रदेश में एक जगह है श्रीहरिकोटा, वहाँ पे जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है, ठीक है। और अब जो मैं पूछने वाला हूँ आपसे वो बहुत ही VVI है, वो पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है, इसरो के बारे में, ठीक है। तो जल्दी बताओ इसरो का मुख्यालय कहाँ है? सबसे पहले मुझे ये बताओ इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो चलिए आप लोग के लिए दो तीन होमवर्क और रहा, आपको इसरो का मुख्यालय बताना है यानी हेड क्वार्टर बताना है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई यानी स्टैब्लिश कब हुआ ये बताना है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। यानी तीन चीज़ आपको बताना है, इसरो का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई, स्टैब्लिश कब हुआ ये बताना है, और इसका हेड क्वार्टर बताना है, ठीक है। तीन चीज़ आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं? तो जल्दी बताओ, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया गया है ना। तो 70%, 80%, 65% या 60%, जल्दी से इसका राइट आंसर दो। भारत में कितने परसेंट लोग जो हैं वो कृषि पर डिपेंडेंट हैं, बताओ। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है यानी 70% जो लोग हैं वो कृषि पर आधारित हैं भारत में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से निम्नलिखित में कहाँ कोई रेलवे जोन का मुख्यालय नहीं है? तो जल्दी बताओ, हुबली में नहीं है, हाजीपुर में, बिलासपुर में या अहमदाबाद में? यानी क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि कहाँ रेलवे जोन का मुख्यालय है ही नहीं है ना, तो बताओ कौन सा जगह है जहाँ रेलवे जोन का मुख्यालय नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे रेलवे जोन का मुख्यालय नहीं है, बताओ। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर अहमदाबाद हो जाएगा, है ना। अहमदाबाद में कोई भी रेलवे जोन का मुख्यालय नहीं है। फाइन, समझ में आ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग बताओ, क्वेश्चन है आपके लिए यह है कि भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं, बताओ। रेलवे में कुल कितने जोन हैं? जल्दी से सब किसी को आंसर देना है। रेलवे में कुल कितने जोन हैं, जल्दी से बताओ, रेलवे में कुल कितने जोन हैं? तो देखो, पहले तो 17 थे लेकिन अभी एक ऐड हो गया है, ठीक है, तो इसको लेकर कुल 18 है ना, 18 रेलवे जोन हो गए हैं। और एक क्वेश्चन और बताओ आप लोग, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये VVI है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जल्दी बताओ, पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चलो ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है हाजीपुर, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है बिलासपुर। जल्दी बताओ,
पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? वेरी गुड राजीव, हाजीपुर है ना, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस जगह पर रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? बताओ कहाँ, बनारसी में, कपूरथला में, चेन्नई में या मुंबई में? जल्दी से बताओ किस जगह पर रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी है ना, मुंबई में जो है कोई भी रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ से भी दो चार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो क्या पूछा जाता है कि डीजल है ना, डीजल रेल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? डीजल रेल इंजन का कारखाना जो है वो कहाँ स्थित है बताओ, सबको बताना है। डीजल रेल इंजन का कारखाना जो है वो कहाँ स्थित है? तो जी हाँ, ये कहाँ स्थित है? तो ये बनारस में स्थित है ना। तो डीजल रेल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? तो बनारस में स्थित है। और अब बताओ आप लोग, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? रेल कोच फैक्ट्री जो है वो कहाँ स्थित है, ये भी पूछ लेता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कुछ। तो रेल कोच फैक्ट्री जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो कपूरथला में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे अब कपूरथला और बनारस, यानी बनारस में क्या होता है। तो बनारस में जो है वो डीजल रेल इंजन का कारखाना है, और कपूरथला में क्या है, तो रेल कोच फैक्ट्री का कारखाना है। और अब है इंट्रीगल कोच फैक्ट्री है ना, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री ये कहाँ स्थित है? इंट्रीगल कोच फैक्ट्री तो ये चेन्नई में स्थित है। ठीक है, यानी आईएफसी पूछ लेता है, या आईएफसी यानी सॉरी आईसीएफ, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री है ना, ये कहाँ स्थित है? तो ये चेन्नई में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? बताओ, गुजरात का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का या केरल का? जल्दी से बताओ, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। अब बताओ, गुजरात का जो लोकप्रिय नृत्य है वो क्या है? तो गरबा है, याद रखना। ठीक है, गरबा जो है एक लोक नृत्य है जो कि गुजरात में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। ओके, और अब मैं पूछूँ आपसे, अब बताओ भारतनाट्यम, भारतनाट्यम जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है? जल्दी से बताओ, भारतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, सबको बताना है। जल्दी बताओ, भारतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, सबको ही बताओ। भारतनाट्यम जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है? तो वेरी गुड, कहाँ का है? तमिलनाडु का है ना। और अब बताओ कथकली, कथकली ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये केरल का है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एक पूछता है कथक। ठीक है, तो कथक जो है वो भी लोक नृत्य है, लेकिन वो यूपी का है। और यहाँ पर कथकली के बारे में मैं पूछा आपसे, तो कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये केरल का है। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भिन्न है? जल्दी बताओ, जाफना, हल्दिया, गढ़चिरौली, थिम्पू? जल्दी से सब किसी को राइट आंसर देना है, जल्दी बताओ। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थिम्पू। क्यों होगा? क्योंकि जाफना, हल्दिया, गढ़चिरौली ये सब शहर के नाम हैं, जबकि थिम्पू क्या है, भूटान की राजधानी है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लेना, सबको को पता होगा कि भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है। और आस पड़ोस जितने भी देश हैं हम लोगों के, उनकी राज्य की राजधानी, ये सब आप लोग नोट कर लेना। आप लोग को मालूम भी होगा बहुत लोगों को, लेकिन मैं इस वीडियो में उस नहीं बता सकता, ठीक है, पूरा डिटेल्स में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं एक बता देता हूँ इम्पॉर्टेंट, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के बारे में पूछ लेता है। तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो क्या है, सबको मालूम है, ढाका है। लेकिन अब मैं यहाँ से पूछूँ कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ, तो ये देखना है कि ये कितने लोग सही बता पाते हैं। तो जल्दी बताओ, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? जल्दी से सब किसी को बताना है, जल्दी बताओ, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो जी हाँ, कब आज़ाद हुआ था?
तो 1971 में है ना, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था, तो 1971 में है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गेहूं फसल के संदर्भ में सही है, बताओ। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है तथा मार्च में काटा जाता है, जनवरी फरवरी में काटना तथा जून जुलाई में बुआई, या जून जुलाई में बोना तथा मार्च अप्रैल में काटना, या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कौन सा जो है गेहूं फसल के संदर्भ में सही है। सब किसी को इसका राइट आंसर देना है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है ना, यानी अक्टूबर से नवंबर में बुआई होता है तथा मार्च में, फरवरी से मार्च में काट लिया जाता है, ठीक है। तो ये किस फसल में होता है जी, बताओ तो, रबी फसल में होता है या फिर खरीफ फसल में होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से आप सभी को बताना है। अक्टूबर से नवंबर में बुआई किया जाता है तथा फरवरी से मार्च में काट लिया जाता है, ये किस फसल में किया जाता है, क्या रबी फसल में किया जाता है या फिर खरीफ फसल में किया जाता है, जल्दी बताओ। तो जी हाँ, ये किस फसल में किया जाता है, रबी फसल में किया जाता है, ठीक है। तो रबी फसल में हम लोग क्या करते हैं, अक्टूबर से नवंबर में बोते हैं तथा फरवरी से मार्च में काट लेते हैं। अब बताओ तो रबी फसल कौन कौन सी होती है, आई थिंक आप सभी को मालूम होगा, आप लोग 8th से 10th के बीच में तो पढ़े ही होंगे, यानी ऐसा चैप्टर मिला ही होगा, है ना। तो रबी फसल जो है वो कौन कौन सी है, आप लोग याद कर लेना जिनको याद नहीं है। तो गेहूँ, जौ, चना, मटर, ये सब क्या है मेरे, तो ये सब रबी फसल है, ठीक है। गेहूँ, जौ, चना, मटर रबी फसल है। अब बात करते हैं खरीफ फसल की। तो खरीफ फसल जो है इसकी जो है जून जुलाई में बुआई की जाती है तथा सितंबर से अक्टूबर में काट लिया जाता है, ठीक है, इस फसल को। अब खरीफ फसल जो है वो कौन कौन सी होती है, तो वो होती है धान, मक्का, बाजरा, ठीक है, ये सब जो है ये आपकी खरीफ फसल हुई। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो कौन सा स्थान से नहीं गुजरते हैं, तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर, सब किसी को बताना है। यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हो तो कौन सा स्थान है जो आप वहाँ से नहीं गुजरोगे, यानी वो स्थान मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। तो कौन सा स्थान नहीं मिलेगा, जल्दी से बताओ। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोलापुर है ना। तो सोलापुर जो स्थान है वो आपको मिलेगा ही नहीं वहाँ से, यानी भुवनेश्वर, यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जा रहे हो तो भुवनेश्वर मिल जाएगा आपको, चेन्नई भी मिल जाएगा, मिजोरम मिल जाएगा, लेकिन सोलापुर है वहाँ पर स्थित नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरापूंजी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है, यानी चेरा जनजाति है और जयंतिया जनजाति है, ये भारत के किस राज्य में निवास करती है, क्वेश्चन यही है। तो जल्दी बताओ, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम या मेघालय, जल्दी से इसका राइट आंसर दो, सब किसी को देना है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बता दो। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर मेघालय हो जाएगा, है ना, यानी चेरापूंजी तथा जयंतिया जनजाति है ये मेघालय राज्य में निवास करती है, ठीक है। और कुछ जनजातियाँ देख लेते हैं इम्पोर्टेंट, और एक दो खासी और, एक दो जो है क्या बोलते हैं जाति है ना, एक दो जनजाति और भी है, कौन कौन सी है, गाड़ो और खासो, ये भी बहुत ही फेमस है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो गाड़ो और खासो जो जनजाति है ये भारत के किस राज्य में निवास करते हैं, तो ये जो है गाइज ये मेघालय में ये भी है, ठीक है, यानी मेघालय राज्य से ये भी जनजाति संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, गाड़ो हो गया, खासो हो गया है ना, चेरापूंजी हो गया, जयंतिया हो गया, ये जनजाति है, ये चारों जनजाति जो है ये भारत के मेघालय राज्य में निवास करती है, ठीक है। और बताओ तो मेघालय की राजधानी कहाँ है, तो चलिए मैं बताता हूँ, शिलोंग, ठीक है। तो मेघालय की जो राजधानी है वो शिलोंग है, ठीक है। और एक जो इम्पोर्टेंट जनजाति वो पूछ लेता है, बड़ागा है ना, तो ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताओ, बड़ागा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है, जल्दी बताओ, बड़ागा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है।
तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, है ना। यानी क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेगा, बड़ागा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, एक और पूछ लेता है गाइस, ठीक है। टोडा जनजाति, ठीक है। तो टोडा जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये नीलगिरी पहाड़ियों पे पाई जाती है, ठीक है। टोडा जनजाति भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लेना। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये नीलगिरी पहाड़ियों पे पाई जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? जल्दी बताओ। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो जल्दी से बताओ, संतूर से, सितार से, बांसुरी से या तबला से? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो। तो संतूर से संबंधित है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा गाइस, एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि उस्ताद बिस्मिल्ला खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? बताओ, उस्ताद बिस्मिल्ला खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? उस्ताद बिस्मिल्ला खान का संबंध किसी वाद्य यंत्र से था? सबको ही बताओ। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, सहनाई या तबला, जल्दी बताओ। क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्ला खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहनाई, है ना। और तबला किससे संबंधित था? तो ये जाकिर हुसैन से संबंधित था, ठीक है। यानी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो तबला से था। और एक पूछ लेता है, हरि प्रसाद चौरसिया, है ना, ये भी फेमस नाम है, ठीक है। तो कुछ ऐसे फेमस व्यक्ति हैं जिनका संबंध कुछ वाद्य यंत्र से है, तो पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो जल्दी बताओ, हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? हरी प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी से है, ठीक है, ये भी नोट कर लेना, पूछ लिया जाता है। तो हरी प्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? बांसुरी से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? यानी भारत में सबसे अधिक जूट जो है वो कहाँ अधिक होती है? बताओ, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में या आंध्र प्रदेश में? सब किसी को बताना है, सिंपल क्वेश्चन है। यानी भारत में जूट जो है सबसे अधिक कहाँ होती है? भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी पूछ लेता है गाइज आपसे कि भारत में सबसे अधिक, भारत में जो है सबसे अधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो सब कोई। भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? यानी कपास का उत्पादन भारत में किस राज्य में किया जाता है अधिक मात्रा में? जल्दी से बताओ। तो जी हाँ, किस राज्य में किया जाता है? तो महाराष्ट्र में किया जाता है, ठीक है, याद रखना। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि कपास की खेती के लिए किस मिट्टी का प्रयोग करते हैं हम लोग? बताओ, कपास की खेती के लिए किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताओ, कपास की खेती के लिए किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी, है ना। यानी काली मिट्टी का उपयोग हम लोग कपास की खेती करने के लिए करते हैं। और काली मिट्टी को एक और नाम से जाना जाता है। तो किससे, किस नाम से जाना जाता है? तो इसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, रेगुर मिट्टी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।